एक तरफ जहां पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मना रहा था, वहीं पानीपत में 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। नाले के किनारे बुरी हालत में बच्ची का शव मिला और सीसीटीवी में एक नेपाली युवक मासूम बच्ची को लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। घटना सेक्टर 25 की बताई जा रही है। परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी और सूचना मिलते ही चांदनीबाग थाना पुलिस इस मौके पर FSL की टीम मौके पर पहुंची और शव को पानीपत सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवा दिया गया। इस मौके पर SP शशांक कुमार सावंत भारी पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस की टीमें गठित कर आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने का आदेश दिया। टाइम के न्यूज चैनल के लिए बॉबी दुआ पानीपत हरियाणा। वो 9 बजे गई थी मौसी के यहाँ, हम मौसी के यहाँ से रे वो चली आई 9:30 बजे यहाँ, तो यहाँ गेट पर यहाँ खेल रही थी, वहीं विश्वकर्मा चौक पर खेल रहे थे। हमारा छोटा वाला वो पकड़ के ले आया वहाँ से पोटा के। मेरा लड़का गया गेट पर, गेट था बंद, मेरा बाबूजी का गेट था बंद, वहाँ पर वो रोने लगा, देखता रहा, मम्मी बिट्टो को ले गया। हाँ? कौन ले गया था? हाँ? एक कोई ले गया मेरी बिट्टो को पकड़ के। हाँ? मैंने देखा बताया आप। हाँ? तो उसको जानता था? नहीं नहीं, हम नहीं जाए, वो तो 3 साल का है। हाँ? तो वो गेट पर पहुँचा रो के, कहने मम्मी बिट्टो चली गई। तो फिर ऐसे ही कोई मेरी बहनोते ना आई, वो कहने लगी मौसी ये लल्ला बताए रो है बिट्टो को कोई ले गो है, हम तो तई भजे हूँ। वो सुबह निकली अपनी मौसी के घर, पास ही में रहती है मौसी, जाती आती रोज रहती थी। और मतलब आज हम दुकान वैसे खोलते हैं 29 सेक्टर में, चाय की दुकान है हमारी, वहाँ पे हम देखे रहते बच्चे। आज वो गई और वहाँ से वापिस आ रही थी, छोटा था और एक नाती था मेरा, ये बड़ी थी उससे 6 साल की है। तो 9 बजे उसको लड़के को छोड़ दिया और इसे लड़की को लेके चला आया। वो बता रहे नेपाली था, और नेपाली को हमने तो देखा नहीं कभी, मतलब लोग बता रहे हैं कि सुबह नेपाली वो लेके जा रहा था लड़की को, और 6 साल की लड़की है, कोई ज़्यादा नहीं है। मतलब हम कमरे पे थे, मेरा घर वाला गया, कहने लगा मंगला गायब हो गई, तो वहाँ से भागे हम तुरंत। कितने भाई बहन हैं ये? ये तो 2 भाई है, अकेली बहन थी सिर्फ। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं, ये शहजानपुर के रहने वाले, अल्लागंज के रहने वाले, हमारा सूरतती। अभी तक क्या पता लगा है? अभी रिद्धि नाम की बच्ची थी 6 साल की, उसको इन झोगी झोपड़ियों का लड़का था वो उठाकर यहाँ लिया, उसके साथ में रेप करके उसका मर्डर कर दिया। जो दोषी की शिनाख्त हमारे पास में वीडियो आई है उसके मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं, और FIR दर्ज करके जल्दी CCTV फुटेज आई जी के सामने, उसमें पहचान हुई है।